आज बब्बर ने भी शत्रुघ्न सिन्हा का किया समर्थन, कहा कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू मौलाना आजाद और सरदार पटेल की पार्टी। पटना पहुंच बब्बर ने भी शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन करते हुए कहा, मैं जिस कांग्रेस पार्टी को जानता हूं वो गांधी नेहरू मौलाना आजाद और सरदार पटेल की पार्टी है। वहीं प्रियंका के वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने पर कहा कि ये पार्टी का फैसला है। वहीं सहला रशीद के हिंदुत्व वाले बयान पर कहा, कौन क्या खाता है और क्या पीता है ये मुझे नहीं पता। और प्रियंका जी ने ये भी कहा था, पार्टी जो तय करेगी, फैसला पार्टी का होगा, मैं चुनाव बनारस से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये फैसला बदल क्यों दिया? बदल नहीं गया, पार्टी का फैसला था, उनका फैसला नहीं बदला है। पार्टी ने सोचा कि उनकी उपयोगिता सिर्फ एक सीट को लेकर नहीं है, उनकी उपयोगिता प्रदेश में, देश में, हर जगह है। राजबाबर साहब, शाला रशीद ने बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा है कि हिंदू जो है बीफ खाते हैं और वो शराब पीते हैं, इससे क्या एक खास वर्ग, एक खास धर्म के संपर्क जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट को फेस नहीं लगता है? भैया, मैं कोई शेफ नहीं हूँ, ना किसी होटल में मैंने कोई रसोई का काम करता हूँ। कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता उससे जाके बात की, जो खाता है मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन क्या ये सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं है? ऐसे महापुरुषों की बात मैंने जो कहा, जिस कांग्रेस पार्टी को मैं जानता हूँ वो गांधी नेहरू मौलाना आजाद सरदार पटेल। लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कारण है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से इनकार कर दे? प्रियंका जी चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्होंने कहा भी था, और प्रियंका जी ने ये भी कहा था, पार्टी जो तय करेगी, फैसला पार्टी का होगा, मैं चुनाव बनारस से लड़ने के लिए तैयार। तो ये फैसला बदल क्यों दिया? बदल नहीं दिया, पार्टी का फैसला था, उनका फैसला नहीं बदला है। पार्टी ने सोचा कि उनकी उपयोगिता लेकर उनकी उपयोगिता प्रदेश में, देश में, हर जगह। राजबाबर साहब, शाला रशीद ने बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा है आपके हाथ के कारण आप अपना, इससे क्या एक खास वर्ग, एक खास धर्म के संपर्क जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट को फेस नहीं लगता? भैया, मैं कोई शेफ नहीं हूँ, ना किसी होटल में मैंने रसोई का काम करता हूँ। कौन क्या खाता है क्या खाता है उससे जाके बात की, जो खाता है मुझसे क्यों पूछ? नहीं, आपको क्या SPN 9 से कुमार अभिनव की रिपोर्ट।